मुंबई सपनों का शहर, लाखों लोगों के करोड़ों सपने, किसी के केबीसी में करोड़पति बनने के सपने, तो किसी का अगला इंडियन आइडल बनने का सपना। ऐसा ही एक आइडल इंडियन सपने देख रहा था, एक्टर बनने का, आदि। मैं हूँ आज का नया देवदास आदि, और पिक्चर का नाम होगा आदिदास। मैं हूँ टाइगर, मैं हूँ एकता। Together we are Ekta Tiger. मैं हूँ सुपर हीरो ब्रावन, और मैं इस धरती की औरतों को सपोर्ट देने आया हूँ। मैंने आदि को बहुत समझाया कि देख, तेरा बाप कोई जितेंद्र या धर्मेंद्र नहीं है जो तेरे लिए फिल्म बनाएगा, लेकिन आदि नहीं माना, और हकीकत आप खुद देख लीजिए। वैसे तालियां सुनने की आदत तो एक और आइडियल इंडियन को भी थी, द मैन फ्रॉम लातूर। म्यूजिक मेरे लिए तरक्की की सीडी है। मीट बॉलीवुड मोस्ट वांटेड डीजे। एंड आई डेडिकेट दिस ग्रैमी टू माय ग्रैनी। ए अजी, हे तुझे सटिया, हाँ तुझे सटिया। लेकिन आजकल इसे तालियां कम, गालियां ज्यादा मिल रही थी। यू सी, सिड की 7:30 ही चल रही थी। राहुल ने तो इसके करियर की राहुल रॉय कर दी। आज इस बेचारे के तारे जमीन पर थे। कमलेश भाई आने रश्मि बेन माटे मारू खास होममेड ड्रीमे। ये घाट कपर के महारथी मेरे करियर को तो मौत के घाट उतार देंगे। कहाँ है वो? आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। कॉलोनी में एक को भी नहीं छोड़ा। वो सब क्या कम पड़ गई थी जो उसकी बुरी नजर अब मेरी बेटियों पर है? देखो, मेरी है ना बस दो ही बेटियां हैं, और वो कमीना उनकी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। उस दिन ना मैंने मेरी शीला को उसके साथ टेरिस पर पकड़ा था, कल मैंने मेरी मुन्नी को स्टेयरकेस में पकड़ा, और आज दोनों गायब हैं। और मैं जानती हूँ वो यहीं पर है, बुला उसे। देखिए मिसेस देव, देव नहीं, मिसेस देव। मिसेस देव, ये सब सिट के कारनामे हैं। आप उसी से बात कीजिए, और मेरा उसपे कोई कंट्रोल नहीं है। वो यहीं पर है, यही है वो। हटो तुम। शीला, मुन्नी, दोनों के साथ एक साथ थ्रीसम। क्यों थक रहे हो? काम के चक्कर में हम लोग पेचरी पार्टीज में बड़ी आस लेकर जाते हैं, और इसीलिए आज भी हम यहाँ अपनी अपनी आस लेकर आए। दिल पे पत्थर रख कर जा रहा हूं पैमेला। आई बी बैक। तू और तेरी पैमेला, डूड इसे छोड़ और चल। हाँ, चल चल चल। अरे ये बता मुझे कि तेरे पास इसी पार्टी के पासेस है ना? अबे एक ही सवाल तू कितनी बार पूछेगा? ये ले, पहन ले। ये क्या है? ये पांच भाइयों का कॉन्डम है, पहन ले। पांचवे भाई का थोड़ा डाउटफुल लगता है डूड। डूड बी कूल, नॉट ना कूल। यू आर राइट, कूल। फॉलो मी, कूल। Excuse me, pass. और पास? ये आप क्या कह रहे हैं? इसने जो कहा तुम्हारे सर के ऊपर से गया ना? जी। इसलिए तुमको बाउंसर कहते हैं। ये मेरे साथ है, किचन स्टाफ। राइट। और तुम लोग ना थोड़ा काम पे ध्यान दो। आजकल ऐसी पार्टियों में घुसने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते। अब हमें ही देखो। थैंक यू, चलिए। तो पूरा बेस्ट्री क्राउड है यार। आई नो। वो देख, मिसेस गोदरेज।
बड़ा कूल लेडी। तू जानता है उन्हें? नहीं यार। तो तुझे कैसे पता चीज कूल? वो फ्रिज बनाती है ना, तो भी ना। बड़ा लेडी। तू चल। ए, वो देख तेरा शिकार। रोहित सर। हाँ यार क्या बताऊँ, ऑफिस जाता हूँ तो ऑफिस के गेट पे खड़ा रहता है, स्टूडियो जाता हूँ तो स्टूडियो के गेट पे। समझ में नहीं आता उसे कैसे पता चल जाता है कि मैं कहाँ हूँ। थैंक गॉड ही इज नॉट हियर। सीरियसली दिस गाय इज रियली अफेक्टिंग मी। इसकी आवाज मुझे यहाँ तक सुनाई दे रही है। मुझे तो दिख भी रहा है। सर एक चांस प्लीज। एक्सक्यूज मी। एकता उल्मा। How can you tell me now कि DJ नहीं आया है? 10 minutes में मेरा शो शुरू होने वाला है। क्या? DJ नहीं आया? Yes, ये पकड़। ऐश कर। What am I gonna do about the music? Sir, sir, why don't you try me out, sir? Try you out? I'd love to. लेकिन म्यूजिक का क्या? Sir, मैं म्यूजिक की ही बात कर रहा था। Why don't you try me out for the music? You think you can handle this? Handle? सर मैंने सब जगह बजाया सर, एम्स्टरडम से लेकर पुशी टैंक तक। ट्रस्ट मी। ओह आई लव कॉन्फिडेंट मेन लाइक यू। कम ए सर एक चांस प्लीज। टेम्पो ब्लास्ट करने वाला हूँ, ट्रेन ब्लास्ट करने वाला हूँ, बल्कि मैं तो सोच रहा हूँ पूरा सेट ब्लास्ट कर दूँ। बस मुझे तलाश है एक नए एक्शन हीरो की। इसको कोई लेके जाओ भाई, लेके जाओ, लेके जाओ। होता है कई बार ऐसा होता है जब काम नहीं मिलता है लोगों को तो ऐसा हो जाता है। देख रहा है डूड, वो लड़कियों के इस्तेमाल करने की चीज है। पता है यार, लेकिन सोचता हूं मैं भी एक पैकेट खरीद ही लूं। मेरा भी बहुत बुरा पीरियड चल रहा है यार। तो पैकेट खरीद। मेरे दूध को कर्ज निभाना। डेली शॉपिंग नेटवर्क आपके लिए लाया है एक नायाब तोहफा, एक ऐसी मशीन जो आपका वजन कम करने में आपकी मदद करेगा। स्मार्ट लग रहा हूँ ना मैं? देख इसे कहते हैं नेचुरल एक्टिंग। एक्टिंग साले जब देखो तो टीवी पे रेप विक्टिम की तरह नजर आता है। कभी तो इज्जत तरह काम किया कर।
बहुत जल्द मेरी किस्मत बदलने वाली है डूड। फेमस एस्ट्रोलॉजर सुनीता मेनन को मिलने जा रहा हूँ। इधर 7.5 ने जेब में 7.5 रुपए नहीं छोड़े, उधार के घर में रह रहे और तू एस्ट्रोलॉजर पे पैसे वेस्ट कर रहा है। हेलो, कौन बोल रहा है? व्हाट? एक मिनट, कैसी कैसी लड़कियां तुझे फोन करती है यार। मैंने पूछा हु स्पीकिंग, तो बोलती है आई एम वेट। लगता है बेचारी तकलीफ में, मैं उसकी तकलीफ दूर करता हूं। हेलो, हाँ जी, नहीं, बिल्कुल बिजी नहीं हूं। एक मिनट, अब इडियट, वेट का मतलब है जानवरों की डॉक्टर गीला सुखानी, पागल। तू और तेरी गीला अभी बैठ के बात कर। हेलो, हाँ डॉक्टर सुखानी, हाँ टंडन, मैं भी आता हूँ। थैंक यू सो मच। पैसे का प्रॉब्लम सॉल्व। किसी ने सच ही कहा है, हर कुत्ते का दिन आता है। कार्ड्स। ओह, आई एम सॉरी। चूज वन। क्या कहा था तुमने? काम क्या करते हो? जी, मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। Then get set for stardom. Really? You are going to be famous. Very famous. लेकिन अपनी मेहनत से नहीं, किसी और की किस्मत से। एक लड़की आएगी तुम्हारी जिंदगी में, योर सोलमेट, और उसके आते ही तुम्हें एक बहुत बड़ी फिल्म मिल जाएगी। ये लड़की मुझे मिलेगी कहाँ? उस लड़की का नाम सर अक्षर से शुरू होगा, बस अपनी आंखें खुली रखना। ऐसा ना हो कि वो तुम्हारे सामने ही बैठी हो और तुम उसे पहचान ना पाओ। गो फाइंड हर। ओके। इतना घुमा फिरा के बात करने की क्या जरूरत थी? व्हाट डू यू मीन? अब जान के भी अनजान क्यों बन रही हैं? मुझे पता है आप मेरी और आपकी बात कर रही हैं। हाँ? से सुनीता जी, मैं किसी और लड़की की बात कर रही थी। मेरे अभी इतने बुरे दिन नहीं आए हैं। I'm sorry. पता नहीं कहां मिलेगी वो लड़की, the girl with an ass.